जी हाँ फ्रेंड, आप लोग दुआ करिए कि जिंदगी भर ना छूटे, जिंदगी भर ना छूटे। जो इंसान मारता पीटता था उसको जीवन कारावास हो जाए, ये पिता बोल रहा है, एक बेटी का बाप बोल रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा। अब मैं रागनी, आप लोग नहीं जानते हैं, आरएमआर फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और आते हैं आगे, बने रहिए छोटा सा वीडियो में। बिछड़ू राज मालती चौहान को धमकी भी देता था कि मारता पीटता था, हर वक्त झगड़ा करना, छोटे छोटे वीडियो बनाना, मारना पीटना, तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। तो वही आज वो कर दिया, आज वो जेल में बंद है। सब लोग कुहार लगाते रहे कि आज बिछड़ू राज घर आने वाला है, कल आने वाला है, आज आने वाला है, इस सब चीज़ खारिज हो चुकी है। तो फ्रेंड, सब शासन प्रशासन कानून सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आज उनके अन्याय मिलने वाली है। क्योंकि सारे लोग समझ रहे थे कि वीडियो मालती चौहान बना रही है तो सारे नौटंकी है, तो नौटंकी नहीं, क्योंकि नौटंकी ही समझ रहे थे। तो आप लोग दुआ करिए, क्योंकि जहाँ दवा नहीं काम करता है वहाँ दुआ भी काम करता है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए, एक पिता का आप लोग कुहार सुनिए, आवाज़ उठा रहे हैं अन्याय के लिए, अपने बेटी के लिए। क्योंकि आज उनकी बेटी इस दुनिया छोड़ के चली गई, शायद कोई किसी का भी बेटी ऐसा ना करे, उसके साथ ऐसा ना घटना घटे। आगे से भी उनके पिताजी बोल रहे हैं कि मुझे सारे चीज़ सपोर्ट मिल रहा है, और बिछड़ू राज को जीवन कारावास होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। क्योंकि मेरी एक बेटी थी, वो मर गई, उसको अन्याय नहीं मिलेगा तो पता नहीं कितने लड़कियों को मार देंगे, सब हर कोई इंसान का, आम आदमी को मन बढ़ जाएगी। क्योंकि एक बेटी, उनकी अपने बेटी को खो दिए हैं इस दुनिया के, एक डेढ़ साल का 2 साल का बच्चा है, उसको पाल रहे हैं, देख रहे हैं, उसको सामने जब तक देखेंगे तब तक उनकी बेटी याद आती रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब तक उस बेटे को पालेंगे, पोसेंगे, देखेंगे अपने सामने, उनकी बेटी हर वक्त याद आती रहेगी। फ्रेंड, तो आज एक पिता रो रो के बोल रहा है कि मेरी बेटी की अन्याय मिलेगी, अब मिलके ही रहेगी, क्योंकि प्रशासन शासन सारे लोग मेरे साथ दे रहे हैं, और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और जहाँ भी बिछड़ू जाए वो कहीं से भी छूट के ना आए। कुछ लोग हैं मालती चौहान के चाहने वाले, तो वही यही बात आ रही है आगे कि बिछड़ू राज को जेल होना चाहिए, तो होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, जीवन कारावास होना चाहिए। क्योंकि एक मालती चौहान छोटे गांव से बिलोंग करती थी, बहुत ज़्यादा वो फेमस थी, हर कोई इंसान जानता है मालती चौहान के बारे में। आज इस दुनिया में नहीं है तो एक बाप के ऊपर क्या बीत रहा है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है, अब वही जान सकते हैं। फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दिला दीजिए, फिर आप